अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और चलिए फिर मैं आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, जो कि है चिकन पहाड़ी कबाब, या चिकन पहाड़ी टिक्का भी बोल सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगने वाले हैं। ये देखिए, आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन बोनलेस लिया है, आधा किलो। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबलस्पून है। और ये कटे हुए गाजर है, और ये शिमला मिर्च है, ये प्याज है, ये नींबू 1 अक्खा, ठीक है। और ये नमक स्वाद के अनुसार, और ये जो है चिंग्स का ग्रीन चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, और ये ग्रीन चटनी है जिसमें कि लहसुन अदरक और हरी मिर्ची और हरी धनिया का पेस्ट बनाया मैंने। और ये जो है धनिया पाउडर है, ठीक है, ये हल्दी है, और ये जो है कॉर्नफ्लावर है, और ये गरम मसाला है, चिकन तंदूरी मसाला है ये, और ये धनिया पाउडर है, और ये ग्रीन फूड कलर है, ठीक है, और ये जो है हमारा विनेगर है, ठीक है। चलिए फिर अब हम इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 से लेके 3 घंटे तक, ताकि हमारा जो है ये चिकन पीस जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हुए, इसलिए मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून विनेगर, ठीक है। अब इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ग्रीन चिली सॉस, ये हमारा सोया सॉस, जीरा पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये हमारा पेस्ट, ये हमारा धनिया पाउडर, ये हमारा कॉर्नफ्लावर, ये हमारा चिकन तंदूरी मसाला, ठीक है, और ये जो है हमारा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। और इसमें जाएगा थोड़ा सी फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, जिससे कि हमारे पहाड़ी चिकन टिक्का को अच्छा सी कलर मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से, इस तरह माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये देखिए। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसमें एंड में हम डालेंगे 1 लाइम जो मैंने कट करके रखा था, 1 अक्खा लेमन जूस जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब ये मैं लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको वापस से मिक्स कर दूंगी, और हम इसको तकरीबन 2 से लेके 3 घंटे तक हम फ्रिज में मैरिनेट करके रख देंगे। इससे क्या हमारे ये जो चिकन बोनलेस चिकन जो है ना, इसके पीसेस काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में बहुत ही लाजवाब और लजीज लगेगा। और ये जो है चिकन पहाड़ी टिक्का खाने में बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लगता है। आप लोग रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करिए और इफ्तारी में बना कर खिलाइए। आप अपने मेहमानों को भी बना कर खिला सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह मैरिनेट करके रेस्ट करने 3 घंटे फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। चलिए फिर अब हमारा जो है हरियाली चिकन टिक्का भिगा कर तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और अच्छे से मैरिनेट भी हो गया है।
अब हमको इसको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक फ्राई पैन लेना है, उसमें ऑयल डालना है और आपको उसमें ये ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ताकि ये जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, ठीक है। अभी मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है, अब मैं ये डाल दूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमारे जो चिकन है वो गल जाए, ठीक है। अब मैं इसको लिड लगा दूंगी। चलिए फिर देखते हैं हमारा जो है हरियाली चिकन सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। मैं यूँ प्रेस करके देखती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गल गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है इसमें रोस्ट करूँगी, ठीक है। ये मैं हटा दूँगी और ये मैं रखूँगी इस पर। ये देखिए हम ऐसे इसको रोस्ट कर लेना है, इससे क्या है ना थोड़ा ये देखिए ये आप देख रहे हैं स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। ये देखिए इस तरह इसी तरह बाकी के भी हमें चिकन टिक्का हमें कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर ये देखिए हमने पैन खाली ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सी ऑयल डालूंगी, ठीक है। अब इसमें ये जो है मैं लहसुन डालूंगी और ये बारीक मिर्ची कटी हुई, और इसको अच्छे से मैं ये चला लूँगी, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में वेजिटेबल्स बताए थे प्याज और कैप्सिकम, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी इस तरह। ये भी देखिए मैं डाल दूँगी, और इसको थोड़ा हम कच्चा पक्का करके पका लेंगे, और फिर जो हरियाली टिक्का है हम इसमें ऐड करके फिर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको पकने, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, माशाल्लाह से हमारे जो वेजिटेबल्स हैं कैप्सिकम और प्याज अच्छे से हो चुके हैं कच्चा पक्का, और इससे ज़्यादा हमें नहीं कुछ करना है। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी, हरियाली टिक्का, ऐसे डाल के मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। आप इसमें अगर अमूल का फ्रेश क्रीम अवेलेबल है आपके पास तो आप ये भी डाल सकते हैं थोड़ा सी, इससे क्या थोड़ा और टेस्ट जो है हमारा एनहांस हो जाता है। चलिए फिर अब मैं इसको डिश आउट करके बताती हूँ आप लोगों को, लग रहा है ना जबरदस्त। चलिए फिर अब मैं चिकन हरियाली टिक्का मैं आप लोगों को फाइनल डिश आउट करके बताती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इस तरह गर्मा गर्म सर्व करिए अपने मेहमानों को,
और इसको गार्निशिंग कर लिए है हरी धनिया से और थोड़ा सी ब्रिस्ता की। ये देखिए लग रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। ये हरियाली चिकन आप चाहिए तो ईद में भी बना सकते हैं, और आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप गर्मा गर्म बना कर सर्व करिए और उनको खिलाइए। नहीं उंगलियां चाटते रह गए तो मेरा नाम बदलना। इतना टेस्टी बना है ये चिकन हरियाली टिक्का। चलिए फिर आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए चिकन हरियाली टिक्का, और मुझे कमेंट कर बताना कैसा बना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मेरे वीडियो ज़रूर से पूरा देखा करिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।